हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट टाइप 4 बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दुगुनी हो जाती है, दुगुनी, तिगुनी, चारगुनी, पचगुनी, कोई भी पूछ सकती है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या सब दिया हुआ है। गिवन में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, टाइम बराबर 5 वर्ष दिया हुआ है, टाइम बराबर 5 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है। दुगुनी हो जाती है तो n बराबर 2 लिखेंगे। दुगुनी हो जाती है तो n बराबर 2 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? रेट पूछ रहा है। तो रेट बराबर फार्मूला होता है, रेट बराबर n माइनस 1 इंटू 100 बट्टा टी। ये फार्मूला होता है रेट बराबर। तो n हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2। तो 2 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस 1, इसको घेर देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। गुना 100 है तो 100 लिखेंगे बट्टा टी। टी हमारा कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। तो 5 लिखेंगे और 5 से कटेगा, 5 ही कान 5, 5 गुना 10 0, और 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 20%। तो हमारा रेट बराबर आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, और अगले वीडियो में रेट पूछ रहा है। तो कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? तो लिख लेंगे आर बराबर बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? इसमें टाइम पूछ रहा है और पिछले वीडियो में दर पूछ रहा था। तो सबसे पहले लिख लेंगे आर बराबर 5%। कितने समय में, तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क, दुगुनी हो जाएगी तो n बराबर 2। तो क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टाइम बराबर होता है n माइनस 1 इंटू 100 बट्टा में रेट बराबर। तो n है तो n, माइनस 1 है तो 1। n हम कितना माने दोस्तों? n माने 2, तो यहाँ पे 2 होगा गुने 100 है तो 100 बट्टा रेट हमारा 5% दिया हुआ है। 5, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 0, 20, 2 में से 1 गया तो 1, तो 20 आ गया हमारा 20 वर्ष। टाइम बराबर 20 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4% की दर से कितने वर्षों में 725 का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा? तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे P बराबर दिया हुआ है 725 और ब्याज बराबर दिया हुआ है, इंटरेस्ट बराबर 87 और रेट बराबर दिया हुआ है 4%। तो अब टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर, तो टाइम बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा पी गुने आर। ब्याज गुने 100 बट्टा पी गुने आर। तो हमारा ब्याज कितना दिया हुआ है? 87 गुने 100 बट्टा मूलधन 725, तो 725 गुने रेट, रेट दिया हुआ है 4 लिख, तो इसको काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 एकान 5, 7 में से 5 गया तो 2, 2 पे 2 22, 5 चौके 20, फिर 2 बच गया, 2 पे 5 25, 5 ए 25, 5 दूना 10 0, कट गया, फिर कटेगा 5,
पाँच दूना दस, चौदह में से दस गया तो इतना चार, चार पे पाँच पैंतालीस, पाँच नवा पैंतालीस, पाँच चौके बीस कट गया, अब ये चार से चार कट गया तो सतासी बट्टा उनतीस, अब ये उनतीस से कटेगा, उनतीस से तीन से कट जाएगा, उनतीस दिया सतासी तो तीन, तो हमारा टाइम बराबर तीन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही है, तीन वर्ष। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपया उधार लेती है, चार वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या सब दिया हुआ है, हमारा रेट दिया हुआ है 5% और मूलधन दिया हुआ है 1000 और टाइम दिया हुआ है चार वर्ष, चार तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 बराबर पी दिया हुआ है 1000, 1000 गुने रेट दिया हुआ है 5, 5 गुने और टी दिया हुआ है 4, 4 बट्टा 100 है तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, पाँच चौके बीस और एक जीरो आ जाएगा तो अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर पी प्लस आर, तो हमारा पी कितना दिया हुआ है 1000, 1000 लिख देंगे प्लस आई निकला है 200 निकला है ब्याज तो 200 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1200 रुपया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।